गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, होप दैट यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट होम। माई सेल्फ वशिष्ठ निर्वाल एंड टूडे क्लास सिक्स आई विल डिस्कस सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो ऑफ चैप्टर थ्री, दैट इज मोशन ऑफ द अर्थ। आज हम चैप्टर थ्री का पार्ट टू पढ़ेंगे। कल पिछले पार्ट में मैंने आपको मोशन में आपको दो तीन चीज़ें बताई थी, रोटेशन रेवोल्यूशन। तो आपकी अब हम बुक से रीडिंग करा देते हैं। पेज नंबर 19 पे देखिए, सेकंड पैराग्राफ है, द सेकंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन द ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। ये मैंने आपको बता चुका था। इट टेक्स 365 डेज 1/4 डे, मैंने वही मैंने आपको बताया 365 दिन का ये टाइम लेते हैं। 6 hours have saved, ये मैंने आपको बता दिया था। अब देखिए फोर्थ पैराग्राफ पे आइए। फ्रॉम द, अब आप यहाँ पे एक फिगर देख सकते हैं, ये फिगर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए क्या दिया हुआ है, ये फिगर बहुत इम्पोर्टेंट है। स्प्रिंग विंटर, स्प्रिंग, देन इस तरीके से ये आपकी फिगर दी हुई है। इस फिगर को भी आप बहुत अच्छे से देखें। From the figure, it is clear that Earth is going around the Sun in an elliptical orbit. देखिए Earth क्या करती है, सूर्य, मैंने आपको बताया था अपने दायरे में वो चक्कर काटती है, जिसका सूरज का। As year are usually divided into summer, winter, spring and autumn. एक साल चार मौसम में बदल दिया गया, समर, विंटर, ऑटम और स्प्रिंग, गर्मी, सर्दी, पतझड़ और बसंत, इन चार चार उसमें पूरा सीज़न डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं पूरे सन। अब देखिए सीज़न चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अब देखिए जो ये सीज़न चेंज होते हैं, बेसिकली ये सीज़न चेंज होते हैं अर्थ की पोजीशन। जब देखिए हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में रहते हैं, जब ये नॉर्थ हेमिस्फीयर बिल्कुल सन को फोकस करता है उस समय होता है गर्मी। जब ये थोड़ा दूर जाना शुरू हो जाता है उस समय ये आपका ओटम, स्प्रिंग, और जब ये बहुत दूर चला जाता है तो उस टाइप आपका विंटर हो जाता है। अब देखिए उस फिगर में आपने देखा होगा कि 21 जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टाइटल टूवर्ड्स द सन। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 21 जून को बिल्कुल सन के सामने होता है। दैट्स वाई द रेज ऑफ द सन फॉल्स डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके ऊपर सन की डायरेक्ट रेज पड़ती है। एज अ रिजल्ट द एरिया रिसीव्स मोर हीट, और यही कारण है कि उस एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। द एरिया नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग। The North Pole is inclined towards the sun and place beyond the Arctic circles experiences continuously daylight for about 6 months. और देखिए इतना लगभग वो 6 महीने का समय जो पूरा वो फोकस करता है, तो वो टाइम आपका इतनी गर्मी होती है नॉर्थ में। और ये माना जाता है कि 21 जून जो है वो साल का सबसे गर्म दिन होता है। और जब क्या होता है वैन, और इसमें उल्टा हो क्या होता है, 21 जून अगर हमारे यहाँ पे गर्म है तो साउथ हेमिस्फीयर में, सर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे ठंडा दिन माना जाता है। हमारे यहाँ गर्मियों में दिन बड़े होते, रात छोटी होती है, और साउथ में, सर्दर्न हेमिस्फीयर में नाइट्स बड़ी होती है और दिन छोटे होते हैं, तब ये कहलाता है समर सोल्स्टिस। उसके बाद 21 या 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव रेज फ्रॉम द सन ऑफ द साउथ पोल टूवर्ड्स इट, और फिर क्या होता है घूमता घूमता फिर ये साउथ में सर्दर्न हेमिस्फीयर उसको फोकस करता है, तब ये उल्टा हो जाता है। साउथ में दिन बड़े होते हैं, रात छोटी हो जाती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रात बड़ी हो जाती है, दिन छोटे हो जाते हैं, वो कहलाता है आपका विंटर सोलस्टिकेट। और इन्होंने दिया है ऑन 21 मार्च एंड सेप्टेम्बर 23
direct rays of the sun falls on the equator as position neither the poles of is tighter towards the sun, so the whole earth experience अब 21 मार्च और 23 सितंबर जब बराबर का दिन और बराबर की रात मानी जाती है, इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट, उसको कहते हैं यूनिक्स। ऑन 23 दिसंबर सितंबर के महीने में इट इज ऑटम सीजन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ में ऑटम होता है, साउथ में स्प्रिंग होता है, और जब मार्च आता है हमारे यहाँ स्प्रिंग होता है, साउथ में क्या होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होता है। दस यू विल फाइंड द डेज एंड नाइट्स चेंजेस द सीजन। अब आप देखिए डेज और नाइट आपके सीजन को चेंज करते हैं बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ रेस्पेक्टिवली, एंड इट हैपेंस जो सीजन चेंज हो रहा है, वट एवर चेंजेस वी आर लुकिंग अराउंड अस, इट्स ऑल ड्यू टू द रोटेशन एंड द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। सो माई डियर स्टूडेंट, टूडे आर चैप्टर इज ओवर, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एंड वंस मोर, अगर किसी ने अभी तक मेरा चैनल वशिष्ठ निर्वाल के नाम से यूट्यूब चैनल है मेरा, इफ एनी वन नॉट सब्सक्राइब्ड माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड ऑल्सो कमेंट ऑन द वीडियोज इफ यू फील गुड, देन ऑल्सो if you feel there is any problem you just tell me, okay? So bye bye students and take care, thank you.